गोरिल्ला चिंपांजी के बाद हम इंसानों का सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है, जिसका डीएनए हम इंसानों से 98.3% मैच होता है। आज के वीडियो में हम लोलैंड गोरिल्ला और माउंटेन गोरिल्ला के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। माउंटेन गोरिल्ला युगांडा, रवांडा और कॉन्गो के वर्षावन में पाए जाते हैं, जबकि लोलैंड गोरिल्ला कॉन्गो, युगांडा, अंगोला और मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। माउंटेन गोरिल्ला के आर्म्स छोटे होते हैं, जबकि लोलैंड गोरिल्ला का हेड और शरीर पर मौजूद बाल छोटे होते हैं। ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला दुनिया का सबसे बड़ा गोरिल्ला है, जिसका वजन 200 किलोग्राम के करीब होता है, जबकि माउंटेन गोरिल्ला का वजन 150 किलोग्राम के करीब होता है। लोलैंड गोरिल्ला की हाइट खड़े होने पर 5 से 6 फीट होते हैं, जबकि माउंटेन गोरिल्ला की हाइट 4 से 5 फीट होते हैं। माउंटेन गोरिल्ला अपने आहार में ज्यादातर फल, फूल और पेड़ के पत्तों को शामिल करता है, जबकि लोलैंड गोरिल्ला फल, पत्ते, छोटे जीव और छोटे रेप्टाइल्स को खाता है। माउंटेन गोरिल्ला और लोलैंड गोरिल्ला दोनों ही 40 से 50 के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, माउंटेन गोरिल्ला थोड़े आक्रामक स्वभाव के होते हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से अपने दुश्मन पर हमला करते हैं, जबकि ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला माउंटेन गोरिल्ला की तुलना में ज्यादा भारी और ताकतवर होते हैं। ऐसे में यदि दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला ही जीतेगा, पर माउंटेन गोरिल्ला भी बहुत आक्रामक स्वभाव का होता है, जो सामने वाले को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।